लखनऊ में भी जारी रहा है, यहाँ चुनाव के मौके पर है, तो क्या मान के चल रही है? 97,000 भर्ती जारी करें, क्योंकि हम लोग इतना ज़्यादा परेशान हो चुके हैं, क्योंकि 91,000 का हलफनामा दिए हैं और 70 वैकेंसी भी नहीं निकाले हर स्टेट में, हर मतलब कि हर बार बच्चे वो होते जा रहे हैं, वैकेंसी निकाल नहीं रहे, ज़्यादा हम लोग हो चुके हैं भारी मात्रा में, लेकिन फिर भी सरकार निकालना नहीं चाह रही है। ये जो चुनाव आ रहा है इस पर आप लोग क्या करेंगे? इस पर ये चुनाव करेंगे, अगर सरकार वैकेंसी नहीं निकाल रही है, वैकेंसी नहीं निकाल रही है, तो इसका परिणाम 2022 में वो देखने को मिलेगा हटाने का। हम लोग नाम दीपांकर, कहाँ पे आए हुए हैं? मैं आज यहाँ जिलाधिकारी महोदय को ज्ञापन सौंपने आया हूँ 97,000 शिक्षक भर्ती के लिए। क्या मांग है आप? हमारी लोगों की एक ही मांग है कि नई शिक्षक भर्ती 97,000 पदों पर जारी की जाए, क्योंकि 5 साल से योगी सरकार में कोई भी अभी एक नई वैकेंसी नहीं आई। 1,037,000 पदों पर जो समायोजन रद्द हुआ था शिक्षा मित्रों का, उसी की भर्ती योगी जी ने कराई है और अभी नई शिक्षक भर्ती कोई नहीं आई है। 10 से 15 साल हर साल रिटायरमेंट हो रहे हैं शिक्षक, उसकी कोई नई शिक्षक भर्ती नहीं। 51,112 का हलफनामा इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में दिया था, उसके बावजूद आज हम लोग 31 दिनों से लगातार इको गार्डन में धरना दे रहे थे। 28 तारीख 23 तारीख 3 जनवरी लगातार हम लोग वहाँ लाठियाँ भी दी जाती हैं, गालियाँ भी दी जाती हैं, उसके बाद नई शिक्षक भर्ती नहीं दी जाती है और हम नौजवानों का बहुत बुरा हाल हो गया है। अगर ये सरकार 97,000 शिक्षक पदों पर भर्ती नहीं जारी करती है, तो अगर हम लोग आने वाले 2022 के विधानसभा चुनाव में इस सरकार को हटाने का काम करेंगे। सरकार